हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप दोस्तों इंस्टाग्राम पर ये वाला जो मैसेज है यहाँ पर आप सब देख लीजिए, मैसेज हिज इन बेस्ड ऑन योर हिडन वर्ड परफॉर्मेंस। आप इस ये वाला जो मैसेज है इसको कैसे देख सकते हो, वो भी गाइस बिना सामने वाले पर्सन को पता लगे कि आपने उसके मैसेज को सीन करा है या फिर नहीं करा है। दोस्तों अगर आप इसको ईजिली, आपके पास अगर ये मैसेज आता है यानी कि रिक्वेस्ट में, तो जब आप इस मैसेज को एक्सेप्ट करोगे तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। बट यहां पर हम ये चाहते हैं कि हम इस मैसेज को देख भी लें कि आखिर उस पर्सन ने क्या मैसेज करा है एंड उसको पता भी ना लगे। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो कैसे इस वाले मैसेज को सीन करना है वो भी सामने वाले को पता भी ना लगे कि आपने उस मैसेज को सीन भी कर लिया है, बट फिर भी आप सीन कर लोगे। तो कैसे करना है एंड तक वीडियो को वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूं अपने इंस्टाग्राम में एंड अब यहां पर मैं जाता हूं मैसेजेस के अंदर एंड उसके बाद रिक्वेस्ट में जाता हूं एंड यहां पर मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट पड़ी हैं। अब मैं यहां से जाता हूं हिडन रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हिडन रिक्वेस्ट में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर वो जो मेरी चैट है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इस अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, अब जब आप इस वाले अकाउंट को जो एक्सेप्ट कर लोगे तो ये जो मैसेज होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जो हिडन था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर देखना चाहते हो एंड यहाँ पर आपको सामने वाले को ये भी पता ना लगे कि आपने उसके मैसेज को देखा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट में जाना है एंड आपको उस वाले प्रोफाइल के अंदर चले जाना है इजी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस मैसेज को देखना भी है एंड आपको मैसेज को सीन भी नहीं करना है। ठीक है, बिना मैसेज को सीन करे, बिना सामने वाले को पता लगे आप इस मैसेज को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। जो भी मैसेज है बस उस पर आपको उंगली, आपकी जो उंगली है उसको कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद आप देख सकते हो, आपको नीचे स्लाइड करना है ऐसे उंगली को एंड आपके पास ये जो मैसेज होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप जब अपनी फिंगर हटाओगे तो ये मैसेज फिर से यहाँ पर दोस्तों हिडन हो जाएगा। जब आप फिर से प्रेस करोगे इसके ऊपर एक से दो सेकंड तक तो ये मैसेज फिर से यहाँ पर अनहाइड हो जाएगा, यानी कि आपको शो होने लगेगा। तो आप दोस्तों अगर फिर उसके बाद अगर इसको अनरिस्ट्रिक्ट करके अगर दोस्तों आप इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपका ये जो मैसेज होगा वो यहाँ पर दोस्तों सिंपली अनहाइड हो जाएगा एंड फिर ईजिली आप इसको देख सकते हो। तो आप गाइस इस तरीके से जो है सामने वाले पर्सन को बिना पता लगाए आप उसके मैसेज को सीन कर सकते हो एंड अगर दोस्तों आपने गलती से उसके मैसेज को सीन भी कर लिया तो आप सिंपली उसके अकाउंट को पहले रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए एंड उसके बाद रिस्ट्रिक्ट करने के बाद उसके मैसेज को जब सीन करोगे तब यहाँ पर उसको पता नहीं लगेगा कि आपने उसके मैसेज को सीन भी कर लिया। तो इस तरीके से आप गाइस इस वाले जो मैसेज है इसको सीन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।